أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم today our topic of discussion is cardiac poisons you already know that there are four types of cardiac poisons these are the mostly jo cardiac poisons are poisonous plant the cardiac poisons are of four types नंबर वन डिजिटेलस परपरा सेकेंड जो है वो ओलियंडर थर्ड निकोटीन फोर्थ एक्ोनाइट दीज आर फोर कार्डियक पॉइजन विच डायरेक्टली एक्ट ऑन द हार्ट एंड हार्ट मसल्स टुडे वी विल डिस्कस टू कार्डियक पॉइजन्स विच आर फर्स्ट डिजिटेलस परपरा एंड सेकेंड ओलियंडर फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटेलस परपरा इट इज़ आल्सो नोन एज फोक्स ग्लव दिस इज अ पॉइजनस प्लांट इट्स रूट लीव्स सीड्स ऑल आर पॉइजनस इट कंटेन्स सेवरल ग्लाइकोसाइड्स विच आर डिजिटॉक्सिन डिजिटालिन डिजिटालीन एंड डिजिटोनोन मोड ऑफ एक्शन इसका है इट डायरेक्टली एक्ट ऑन हार्ट मसल इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ फेलिंग हार्ट द नॉर्मल हार्ट इज अफेक्टेड वेरी लिटल अगर टॉक्सिक डोज देंगे तो फिर नॉर्मल हार्ट जो है वो इफेक्ट होगा इट्स मेन टॉक्सिक अफेक्ट्स आर इरिटेशन ऑफ स्टमक स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट लीडिंग टू हार्ट ब्लॉक एक्स्ट्रा सिस्टली एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसमें प्री मिच्योर कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट हो जाती है ये जो डिजिटेलस है डायरेक्टली इफेक्ट करता है हार्ट मसल्स को साइन सिम्टम्स क्या होंगे द टॉक्सिक सिम्टम्स ऑफ ओवर डोजेज आर इंडिकेटेड बाय नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन डायरिया डिप्रेशन हेडेक एंड गिडीनेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया अप टिल 20 पर मिनट हार्ट ब्लॉक एक्स्ट्रा सिस्टली एंड फिब्रिलेशन देर इज फीलिंग ऑफ फेंटनेस प्रीकॉर्डियल ऑपरेशन द रिस्पिरेशन बिकम स्लो द पेशेंट बिकम ड्राउजी लीडिंग टू कोमा कन्वर्जन्स एंड डेथ दीज आर दी साइन सिम्टम्स ऑफ डिजिटेलस फेटल डोज ऑफ डिजिटेलस डिजिटालीन इज 15 to 30 मिलीग्राम एंड डिजिटॉक्सिन इज 4 मिलीग्राम फेटल पीरियड इज हाफ एन आवर टू 24 आवर्स ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें डिजिटेलस की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक वॉश विद सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड बावल शुड बी एवैक्यूएटेड विद कैथार्टिक्स इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम हाइपोडर्मली दें पोटाशियम साल्ट शुड बी गिवन टू रिड्यूस दी एक्स्ट्रा सिस्टली प्री मेच्योर कंट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आप पोटाशियम साल्ट्स देंगे स्पेसिफिक एंटीडोट होता है विच इज़ नोवोकेन और प्रोपेनोलोल फॉर अरिथमियाज ट्राई सोडियम EDTA टू लोअर दी सीरम कैल्शियम लेवल इसके अलावा रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिक होगा आप ECG भी करवाएंगे हार्ट मॉनिटरिंग करेंगे ये सारी आप साथ साथ पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करेंगे पोस्टमार्टम अपेयरेंस में कोई स्पेसिफिक आपको फीचर्स नहीं नज़र आएंगे जब GIT ओपन करेंगे स्टमक ओपन करेंगे तो उसमें इरिटेशन के फीचर्स होंगे डिजिटेलस लीफ मिल सकते हैं सीड्स हो सकते हैं स्टमक में जो इसके सीड्स होते हैं डिजिटेलस के दीज आर रेडिश ब्राउन रिमार्केबली स्मॉल सम बट एंगुलर इन शेप और उसके पास स्पेसिफिक मार्किंग्स होती हैं उस पर
वो आपको सीड्स मिल सकते हैं और लीव्स मिल सकते हैं और इरिटेशन के फीचर्स होंगे इसके अलावा भी। नेक्स्ट है मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटलिस। मोस्टली जो पॉइजनिंग होती है वो एक्सीडेंटल होती है ड्यू टू ओवर डोजेज, क्योंकि हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स या अरिथमियाज के पेशेंट्स जो हैं वो ले रहे होते हैं स्मॉल अमाउंट में, अगर ओवरडोज हो जाते हैं तो उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा सुइसिडल रेयर है, होमिसिडल इसमें कॉमन है और एस क्यूमुलेटिव पॉइजन्स के तौर पे है। क्यूमुलेटिव पॉइजन्स आर द पॉइजन्स विच एक्यूमुलेट इन द बॉडी। ये इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है ओलियंडर। ये ओलियंडर का फ्लावर है, ओलियंडर को कनीर भी कहते हैं। इट हैज़ टू वराइटीज, एक वाइट ओलियंडर है नेरम ओडेरम, नेरियम ओडेरम वाइट ओलियंडर है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो वाइट होते हैं या पिंक होते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेरियम ओडेरम और ट्रू ओलियंडर। सेकेंड जो इसकी वैरायटी है वो सेरिब्रा थ्वीटा है या येलो ओलियंडर। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के बेल शेप फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट है इसके जो वाइट ओलियंडर्स के ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर पॉइजनस। एक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इट कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेरी ओडेरिन, नेरी ओडेरिन और कैराबिन, ये तीन इसके जो हैं वो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है? एक्शन ऑफ नेरी ओडेरिन जो है सिमिलर टू दी डिजिटलिस है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है हार्ट मसल्स को और प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, हार्ट ब्लॉक काज करता है, ये इसका फंक्शन होता है नेरी ओडेरिन। सेकंड है नेरी ओडेरिन विच काज मसल ट्विचिंग, टेटनिक स्पाज इज मोर पावरफुल देन स्टिकनिन। ये स्टिकनिन पॉइजनिंग से रिजेंबल करता है, मोस्टली मसल्स की ट्विचिंग करता है, उसका स्पाज करता है, टेटनस लाइक फीचर्स आ जाते हैं इसमें मोस्टली। थर्ड है कैराबिन, इसका जो फंक्शन है हार्ट के ऊपर वो डिजिटलिस लाइक होता है और स्पाइनल कॉर्ड पर स्टिकनिन लाइक एक्शंस है, इसका डबल एक्शन है कैराबिन का। ये हो गया इसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स। सिम्टम्स सबसे पहले क्या होंगे? वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा और फ्रॉथी सेलिवेशन होगी पेशेंट में। जब आप साइंस उसके देखेंगे, पल्स इज स्लो एंड वीक, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलविंग, लॉकजा होगा, मसल ट्विचिंग होगी ऑफ एक्सट्रीमिटीज, डीपन इनटू द टेटनिक स्पाज, फ्रिक्वेंटली इफेक्ट वन साइड मोर देन द अदर साइड, और उसके बाद ड्राजीनेस हो सकती है, कॉमा हो सकता है और डेथ हो सकती है ड्यू टू हार्ट फेलियर। फेटल डोज जो है इसकी है 15 ग्राम ऑफ रूट कैन किल एन अडल्ट इन 24 आवर्स, या इसकी फेटल डोज जो है 5 to 15 लीव्स इसकी फेटल डोज है। ट्रीटमेंट इसकी क्या करेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी, सबसे पहले इसका स्टमक वॉश करेंगे विद KMnO4 या टैनिक एसिड के साथ करेंगे, अनस्थेटिक एजेंट्स देंगे अगर कन्वल्जन्स हैं तो उसको करने के लिए, बारबिट्यूरेट्स दे सकते हैं उसके कन्वर्जेंस को करने के लिए, मॉर्फिन का इंजेक्शन में भी बेनिफिशियल होगा और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिक होगा इसमें। दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ ओलियंडर्स। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपेयरेंस। इसमें भी आपको कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगे, पर्टिकल हेमरेजेस होंगे ऑन द हार्ट, ये आपको एक करेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा।
इसके अलावा नेरियम अडोरम जो है रेजिस्ट हीट, तो ये बाज़ों का बर्न कर दी जाए बॉडी तो उसके बाद भी ये बॉडी में आपको मिल सकती है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग आपको पोस्टमार्टम अपेयरेंस पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉइजन। सुइसाइड विद डीकोकेशन, इसमें क्या करते हैं सीड्स को जो है वो या प्लांट का जो पार्ट है उसे वाटर में बॉयल करते हैं और उसका एक कंसंट्रेटेड सीरम सा तैयार कर देते हैं जो कि रूट का हो सकता है, लीव्स का हो सकता है या फ्रूट्स ऑफ का हो सकता है। ये सुइसाइड के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डाइज हैं या बाकी हैं वो एज अबॉर्टिफेशंस भी ओलियंडर को यूज़ करते हैं। मोस्टली जो इसकी पॉइजनिंग है वो एक्सीडेंटल होती है कि अगर प्लांट्स को यूज़ कर लिया, इसके फ्लावर्स को अगर च्यू कर लिया चिल्ड्रन ने या कुछ हो के। इसके अलावा एज कैटल पॉइजन भी ये यूज़ है। नेक्स्ट ये तो था वाइट ओलियंडर। नेक्स्ट है येलो ओलियंडर। येलो ओलियंडर या इसे पीला कनीर भी कहते हैं या सेबरा थ्रिविटा भी कहते हैं। इसकी तीन ग्लाइकोसाइड एक्टिव प्रिंसिपल इसके तीन हैं, एक थैवेटिन है, दूसरा थैवीटॉक्सिन है, थर्ड है सेब्रिन है। ग्लाइकोसाइड्स आर दी सब्सटेंसेस फाउंड इन द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर कंपाउंड द लेटर हैविंग टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन। थैवेटिन इज पावरफुल कार्डियक पॉइजन। थैवेटिन इज पावरफुल कार्डियक पॉइजन, इज मोस्टली एक्ट ऑन हार्ट। थैवीटॉक्सिन इज लेस टॉक्सिक, इसका एक्शन जो है वो कम होता है। और थेरिब्रिन जो है वो उसका स्टिकनिन लाइक एक्शन। ये तीन इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये है येलो ओलियंडर, ये इसका प्लांट है, ये इसके सीड्स हैं ट्रायंगुलर शेप का फ्रूट से आप नट्स लिए होते हैं ट्रायंगुलर शेप। साइन सिम्टम्स इसके क्या हैं, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, टिंगलिंग ऑफ द टंग, ड्राइनेस ऑफ थ्रॉट, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, डायलेटेड प्यूपल होगा, इरेगुलर एक्शन ऑफ द हार्ट होगा, ड्राउजीनेस, कोलैप्स, कोमा एंड डेथ। टेटनिक कन्वर्जेंस जो होती हैं वो इसमें रेयर होती हैं। और अगर अरिथमिया हो जाता है उसके साथ टेटनिक कन्वर्जेंस हो सकती हैं। ये इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। 8 to 10 सीड्स और 15 to 20 ग्राम ऑफ रूट कैन किल एन अडल्ट इन 24 आवर्स, यानी फेटल पीरियड जो है वो 24 आवर्स। इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले स्टमक वॉश करेंगे विद KMnO4 या टैनिक एसिड्स का साथ, एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, मॉर्फिन दे सकते हैं और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक होगी। अगर एसिडोसिस हो गया तो IV सॉल्यूशन देंगे सोडियम लैक्टेट का और उसमें ऐड करके 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसी तरह हार्ट ब्लॉक हो गया है तो एट्रोपिन देंगे 1 मिलीग्राम, 2 ml ऑफ एड्रीनालिन देंगे अगर BP लो हो गया है। तो इस कंडीशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी जो भी रेस्ट। पोस्टमार्टम अपेयरेंस, सबसे पहले GIT के जो साइन सिम्टम्स होंगे, GIT ओपन करेंगे तो स्टमक ओपन करेंगे तो उसमें इरिटेशन होगी, कंजेशन ऑफ दी वेरियस ऑर्गन्स, जर्नलाइज इंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स होगी, सब एंडोकार्डियल एक्मोसिस होगा, येलो ओलियंडर रेजिस्ट पुट्रीफेक्शन। तो इसलिए ये स्टमक में आपको मिल सकता है बहुत देर तक। सो कैन बी डिटेक्टेड इवन ईयर्स आफ्टर डेथ, एग्ज्यूम्ड पुट्रीफाइड बॉडीज में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस ऑफ दी ओलियंडर, येलो ओलियंडर मोस्टली सुइसिडल होती है।
अबॉर्शन के लिए एज अबॉर्टिव एजेंट्स भी यूज़ होता है, और इसके अलावा एनिमल्स को किल करने के लिए एज कैटल पॉइजन्स भी ये यूज़ होता है।